बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैमरीज किचन से आपके होस्ट आपके दोस्त हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रिवायती कबाब तो आपने बहुत खाए भी हैं और बनाए भी हैं, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे। तो नाज़रीन, आज हम बनाएंगे पर्शियन कबाब। ईरान की स्पेशल डिश है जो बहुत शौक से खाई जाती है, और हमने अपने इसे पाकिस्तानी स्टाइल से बनाया है तो और भी मज़ेदार कबाब बने हैं। क्योंकि ईरानी मिर्चे नहीं खाते तो हमने काली मिर्च और सब्ज मिर्च का इस्तेमाल किया है। बहुत ही आसान, कम मसाले और जल्दी बनने वाले कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसमें बीफ का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। हाफ के जी है, हमने इसे बारीक एक से दो दफ़ा हमने इसे चॉप कर लिया। अगर चॉपर नहीं है तो आप इसे मशीन में भी निकलवा सकते हैं। एक से दो दफ़ा बारीक होना चाहिए। जिंजर गार्लिक है हमारे पास, जिंजर गार्लिक पाउडर है 2 टेबल स्पून। सब्ज़ मिर्च है पेस्ट 2 टेबल स्पून। प्याज है हमारे पास चॉप की हुई 1 कप है। ये देखिए हमने इसे स्क्वीज कर लिया है, पानी इसका अलग से निकाल दिया। और ये देखिए अलग अलग हो गई। इस तरह से हमें खुश्क प्याज चाहिए होगी, हम इसका पानी अलग कर देंगे। नमक है 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून, इसमें ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, और हल्दी है इसमें 1 टीस्पून। इसमें हम बर्निंग के लिए बेसन लेंगे 2 टेबल स्पून, और ब्रेड क्रम है 2 टेबल स्पून। ऑयल हमें फ्राइंग के लिए चाहिए होगा, और हमने इसमें क़ीमे में हम सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे एट अ टाइम। ये देखिए हमने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और सारे मसाले शामिल कर दिए। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देंगे और 2 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। पैन में ऑयल डालेंगे कि हमने इसे शैलो फ्राई करना है। ये देखिए मैंने एक नए तरीके से किया था कि मेरे पास बड़ी छुरी थी तो मैंने छुरी पर ही कबाब बना लिए थे। एहतियात से बनाइएगा, और अगर आपको मुश्किल पेश है आप इसे सलाखों पर भी बना सकते हैं। ये देखें बहुत आसानी से बने थे, और आपके सामने ये ब्राउन, इस इतना अच्छा ब्राउन इसका कलर आया फ्राई करने के बाद, बहुत आसानी से फ्राई होंगे। उम्मीद है आज की स्पेशल डिश आपको पसंद आई होगी।